घर छोड़ के जा रही है। चुप रह यार। ताला पानी की सब सजा दी होती है। ना मैं ताला कौन सा ले ले एक कंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी नौकर काम कर रही है। ये भी वैसे इसने किया था और अभी यही करने वाली है क्योंकि आज तो मैंने कुछ काम नहीं किया। Shut up. Up. Okay. ये देखिए क्योंकि ये मैं इसकी इसलिए हेल्प कर रही हूँ, इधर कैमरा दिखाइए, इसलिए मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ये इस घर से जल्द निकल जाए और मुझे यहाँ पे चैन की सांस सोने के लिए मिले। मग्गा नहीं ले गई, मग्गा इसमें डाली। देखिए देखिए कोको ले इसको किस कर दे इस मग को, ये देख देख कर दी। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं मैग जी, और वैसे मैं हर बार आगे बैठती हूँ, हर बार वो मतलब मेरी बुक्ड भी नहीं बोल सकते उसको, मतलब मेरी ही सीट है वो, मैं अभी इसलिए इसको बैठने दे रही हूँ कि चलो थोड़ा तरस खा रही हूँ क्योंकि वापसी में तो मैं ही बैठने वाली हूँ। और अच्छा है तो मैं आपको बताती हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं, इसको हम कहाँ छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका जब रिजल्ट आया उसके बाद हमने सोचा इसको कहीं भेज देते हैं पढ़ने, मतलब ये सोचा कि इसको इंस्टीट्यूट भेज देते ताकि ये जेई वगैरह के यू नो टेस्ट वगैरह निकाल सके और थोड़ा बहुत टच में रहे, क्योंकि जैसे लॉकडाउन लगा उसके बाद से लेकर कोई भी आई थिंक कोई भी नहीं यू नो टच में रहा बुक्स वगैरह के या स्टडी के। तो इसको हम भेज रहे शिमला, एस्पायर इंस्टीट्यूट है और वहाँ पे हॉस्टल है, 45 डेज के लिए वहाँ रहेगी और बीच बीच में जो एंट्रेंस होते रहेंगे वहाँ से देती रहेगी। आजकल हिमाचल आना ना बहुत डेंजरस है क्योंकि देखो नदी कितनी भरी और सड़क तो उससे भी गंदी। मम्मी आपको कैसा लग रहा है इसको भेज के, इधर मुड़ के देखो, अरे इधर मुड़ो बोलो। अच्छा लग रहा है कल तो, अच्छा लग रहा है कल तो आप रो रहे थे बहुत मेरी यादों में, सपनों में भी तो मैं ही आई इनको यार, ये थोड़ी ना बताएंगे सच यार लोगों के सामने, इनके सपनों में ही आई थी अभी वो ना हर यू शूट जब रोएंगे। अब हम चल पड़े हैं सोलन से शिमला को और अब तो इतना रश होएगा, नहीं जाम होएगा। हर जगह कंस्ट्रक्शन चली हुई है। कैसे लगेगा मेरे भी 45 दिन? अच्छा लगेगा पर मैं ना थोड़ा काम बढ़ जाएगा, मतलब ये झाड़ू मारती थी घर में, काम सारे मैं ही करती थी, ठीक है बकवास नहीं, ठीक है झाड़ू ही मैं करती थी सारे काम, ओनली वन झाड़ू, अब वो मेरे को मारना पड़ेगा वो, बस यार झाड़ू। और ये बहुत तेज बारिश, ये है शिमला का बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड, यहाँ हमारी बस भी आती है शाम को। हाँ इसी बीटी है तो बस स्टैंड ना। And we have reached Aspire. ये था इंस्टीट्यूट और अब हम जा रहे हैं हॉस्टल जहां महक रहेगी।
ये तो किंडरगार्टन में आके फाइनली महक का रूम देखने को मिलेगा। अच्छी है ना सीनरी। बट है तो अब हम जाएंगे मेस में, किन का मेस का होगा। और ये मेस यारी बारी और हम छतरी मिल जाए। बहुत सीढ़ियां है, कैसे चढ़ेगी महक तू? ओ बस यार ये मेरे हेल्प कर रही है सेटल होने में, सामान समून रख रही है। उफ, बहुत अच्छा मेरे को वैसे। हाँ मेरी हाइट मेरे को लग रहा है मैं घुस जानी आ जाऊंगी। छोड़ मिलेगी मिलेगी, ये खुशी में करा जा रहा है सब कुछ। अब हम यहाँ खाएंगे खाना ये मेस में। खाने को तो होने महक के मजे, डिलीशियस खाना। दो सौ रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। रोना भी नहीं शॉकिंग चीज लगती है अपनी बहन को काटना। इसको भी क्यों लिपस्टिक लगा दाने लगे यहाँ रफ रफ इधर दो मेरे पास बहुत इतनी है ना वो चौड़ी चौड़ी तू पूछ रही हो पता कर दिया अपने इसका क्लास सारा की कब कब क्लास है एक्स्ट्रा क्लासेस कब से लगानी शुरू कर ठीक है कुछ नहीं है गर्ल्स ही है गर्ल्स तो गर्ल्स ही है देख जान जा रोलो 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 यार सच में कैमरे के लिए नहीं बंद कर दो रोने दो मम्मी ठीक है नहीं रो पा रही बाय ठीक है बाय कब तक ये बातें चलेगी ऊपर से ना गाड़ी से आवाज माननी चाहिए जरूरत नहीं अब इनको ले जाना पड़ेगा नहीं तो ये तो चलो चलो फटाफट गाड़ी ऊपर से हटाने को बोल रहे चले हम वापस ये जी हमारी बस
हम पापा से मिलने जा रहे हैं। हमारी बस और ये पापा, हमारे वाइप पर नहीं चल रहा था और अब पापा के सामने चल रहा है। देखो गाड़ी भी कितना डरती पापा से। अब